फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं सोनू, स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोज ट्रक पे। तो जैसा कि देख रहे हैं, टर्बोट्रॉन का काम चल रहा था 1918 का, और उसका कैबिन कुछ नीचे उतार दिया गया जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पे टर्बोट्रॉन की बैजिंग 1918 इस साइड में लिखा हुआ है। इसका फ्यूजोक्स वगैरह डैमेज हो गया है, वायरिंग भी इसका डैमेज ही है पूरा, देख सकते हैं मेन वायरिंग। और कॉम्बिनेशन स्विच वगैरह तो सही है जैसा कि देख सकते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसे तो सही लग रहा, बट अब चेक करने के बाद जब इसको फिट किया जाएगा। और जैसे वीसीयू वगैरह भी यहाँ पे टूट गया है, इसका पैडल तो टूट ही गया पूरा। और जस्ट इस साइड में देख सकते हैं ब्लोअर भी चेंज होगा, इधर एयर फिल्टर का स्नॉर्कल वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। ये तो सेफ लग रहा है, कुछ हुआ नहीं है, मे बी हो सके ये लग जाए। और इसका जो ECM वाला वायर है वो तो सेफ लग रहा, बट उस साइड में डैमेज, इसीलिए इसको चेंज करना पड़ जाएगा। और देख सकते हैं गाड़ी कुछ है अभी ऐसा खुला है ऊपर से, और कटिंग भी किया गया है, और लकड़ी का भी काम होगा इसमें जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। और इस साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे शूट कट करके निकाला गया है ऊपर वाला पार्ट, तो देख सकते हैं पूरा शायद उतरेगा या फिर नहीं उतरेगा, उसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा, आगे का सीरीज सब देखना होगा। और देख सकते इसका लोड बॉडी कार्गो कैबिन कुछ ऐसा डैमेज हुआ है, और इस पर भी काम करना पड़ेगा, वेल्डिंग वगैरह का, मेटल सीट हो सके दूसरा लगे। और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे डीजल फिल्टर खुला हुआ है, डीजल फिल्टर इसका मतलब खोल के रखा हुआ है उस साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेरिंग बॉक्स वगैरह तो सेफ है, यहाँ पाइप वगैरह डैमेज हुआ है। ये बूस्टर देख सकते हैं, बूस्टर इसका डैमेज हो गया है। और इंजन की साइड देखे तो यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं विस्कस से, तो विस्कस सेफ है, कुछ हुआ नहीं विस्कस में। और इस साइड में भी सारा कुछ सही दिखने को मिल रहा है, कोई डैमेज वगैरह तो ज़्यादा हुआ नहीं, चेचिस वगैरह भी बैंड नहीं हुआ है फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड में जो है टर्बो चार्जर वगैरह पाइप खोला गया है, क्योंकि कैबिन ताने के टाइम में दिक्कत आ रहा था। और इस साइड में यहाँ पे कुछ लीक किया है ऑयल वगैरह ऊपर में, तो देखो तो ऊपर में बैंड हुआ है। और दिखाते हैं आपको इस साइड और कुछ पार्ट्स खुल के रखे हुए हैं जैसा कि दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सारा पार्ट्स वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे स्विच वगैरह है। और इस साइड में सारा पाइप खुला है जो कि कैबिन उतारने के टाइम में दिक्कत दे रहा था, इसलिए इसको खोला गया। और इसमें सब चेक वगैरह किया जाएगा कि क्या क्या इसमें चलने लायक है, क्या क्या नहीं चलने लायक है। और जैसे तो एयर फिल्टर यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी तो चौकी है जैसा कि दिखा दूँ मैं, चेंज करना पड़ेगा इसको। और इंटरकूलर की बात करें तो इंटरकूलर फ्रंट सेफ है, इंटरकूलर में ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है बट ये तो छेद नहीं हुआ है इसमें। और इस साइड में देख सकते हैं सेंसर इसका, PM सेंसर, यहाँ पे PM सेंसर लगता है, और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और रेडिएटर तो सेफ ही है, और इसका ये वाला पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, स्टीयरिंग व्हील का अलाइनमेंट चेक किया जाएगा। और उस साइड चलते हैं, उस साइड में और फ्रेंड जैसा कि इस साइड में आपको दिखा दूँ, इस साइड में अभी खुला नहीं है, ये भी खुलेगा, ये भी उतार करके इसको पूरा कंप्लीट लकड़ी वाला कैबिन बनाया जाएगा। ऊपर में भी आपको देख सकते हैं वहाँ पे डैमेज हुआ है थोड़ा बहुत इस जगह पे। और फ्रेंड आने वाले टाइम में आपको सारा इसका वीडियो मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। वो जो आप टीपर का वीडियो देखे थे वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए बनाने में वीडियो दिक्कत हुआ था। और अब सीरीज बाय सीरीज धीरे धीरे वीडियो और अच्छी होती जाएगी। और आपको ऐसे एक्सीडेंटल वाला सीरीज सब देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी तरह का क्वेरी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ऐसे ही ट्रक कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज़ भी लाता हूँ, और अब एक्सीडेंटल का सीरीज़ भी शुरू कर चुका हूँ। और कुछ ऐसा देख सकते हैं खुलने के बाद का व्यू है। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही ट्रक कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। जल्दी मिलता है नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।